लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। रुड़की के बेलेड़ा कांड पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मुख्यमंत्री से मांग की। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक ममता राकेश, अनुपमा रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान आईटीबीपी में इंस्पेक्टर मदन राज भट्ट शहीद हो गए। शहीद का खटीमा में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। खुद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शारदा घाट पहुंचकर जवान मदन राज को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि खटीमा निवासी जवान मदन राज भट्ट आईटीबीपी में इंस्पेक्टर के पद पर जम्मू कश्मीर में तैनात थे। बीती रोज 22 जून को ड्यूटी के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जवान मदन राज भट्ट का पार्थिव शरीर जैसे ही खटीमा स्थित उनके घर पहुंचा, हर कोई बिलख बिलख कर रोने लगा। गमगीन माहौल देख सांसद अजय भट्ट भी भावुक हो गए। बारिश का मौसम आते ही उत्तराखंड में तबाही का मंजर देखने को मिलता है। ऐसा ही तबाही का मंजर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के डीडी हॉट से दूनाकोट जाने वाली सड़क पर भी दिखाई दे रहा है। हर साल बरसात के मौसम में सड़क पर भूस्खलन होने और चट्टानों से पत्थर गिरने से रास्ते की आवाजाही बंद हो जाती है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार को 12 नंबर में पत्थर गिरने से एक बार फिर सड़क खराब हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के खजाने से हर साल करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी सड़क की दशा जस की तस रहती है, तो ऐसे में ग्रामीणों का सुझाव है कि डीडी हॉट आवाजाही के लिए कोई दूसरा विकल्प निकाला जाए। इससे भी भयानक मंजर शुक्रवार सुबह डीडी हॉट के ही गांव बसोरा में देखने को मिला। बसोरा निवासी भूपेंद्र राम के घर में बरसात का पानी घुस गया, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। भूपेंद्र का कहना है कि डीडी हॉट से जमतड़ी जाने वाली सड़क में पानी की निकासी न होने के कारण सारा पानी उनके घर में घुस गया और उनके खेत खलियान आदि सब तहस नहस हो गए। भूपेंद्र राम का एक मछली तालाब भी था, जिसमें करीब 35,000 की लागत की मछलियाँ थी, वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसे में भूपेंद्र ने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है। इस मामले में K24 न्यूज ने क्षेत्रीय पटवारी से बात की। पटवारी पंकज नेगी ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द स्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट आगे तलब करेंगे। देहरादून के मुख्यमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, सलाहकार अमित खरे और उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें उपहार स्वरूप स्थानीय उत्पाद भेंट किए। प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने इस दौरान मुख्यमंत्री धामी से प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान विभाग ने 24 से 27 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जिलों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत सभी लाइन विभागों के अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे अलर्ट पर रहेंगे। इस दौरान कोई भी कर्मचारी और अधिकारी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ भी नहीं करेगा। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।